हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए, मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई है किचन से, और सुबह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो किचन में आई थी तो सोच रही थी चलो यहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी देखिए, आज मैं गट्टे की सब्जी बना रही हूँ। तो गट्टे के लिए मैंने गट्टे को फ्राई कर दिया है, पहले से ही मैंने गट्टे बना के रखे थे। इसकी फुल रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसका पहले ही एक ब्लॉग शेयर कर दिया है आप लोग के साथ। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप वॉच कर सकते हो अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स। और अभी देखिए, मसाले मैं भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। मैंने इसमें रूटीन के मसाले, नमक, हल्दी और लाल मिर्च कश्मीरी, वो मैंने डाल दिया है। और मसाले भी भून के रेडी हो गए हैं। तो इसमें मैंने जिसमें गट्टे उबाले थे, वो पानी हम फेंकते नहीं हैं, उसी पानी से ग्रेवी तैयार होती है। अभी मैंने वो पानी डाल दिया है और ये गट्टे भी मैं डाल देती हूँ। और बहुत टेस्टी गट्टा बना था फ्रेंड्स। अभी आप इसका फाइनल लुक जब देखेंगे ना, तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि गट्टे की सब्जी कैसी तैयार हुई थी। और मेरे घर में सभी को बहुत अच्छी लगती है। और मैंने आज कम ही बनाया था क्योंकि मटर पनीर की भी सब्जी रखी हुई है, इसलिए मैंने आज ज़्यादा नहीं बनाया, बस थोड़ा सा ही बनाया था। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही थी, हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम बहुत दिन से नहीं बनाई हो, तो इसलिए मैंने आज बना दिया। अभी देखिए, मैंने गट्टे की सब्जी जो है वो ये देखिए, गट्टे की सब्जी पक रही है। और यहाँ पे मैंने चाय बना दिया है, चाय चढ़ा दिया है क्योंकि हस्बैंड गए हैं ब्रश करने, तो अभी आएगी तुम्हें चाय चाहिए होगा। और दाल तड़के के लिए मैंने ये देखिए अभी सिर्फ जीरा इसमें डाला है, बाकी सब मुझे डालना है। तो मैंने गट्टे की सब्जी थोड़ी सी ही बनाई है क्योंकि हस्बैंड रात को सब्जी लेके चले आए थे, मैं थोड़ा थोड़ा खा के गए हैं। और अभी ये इतना सारा है देखिए, तो वो बोल के गए हैं कि मैं यही खाऊंगा आज, मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मैंने गट्टे की सब्जी थोड़ी ही बनाई थी। और अभी देखिए, बाकी जो है रोटी मुझे बनाना है चावल के लिए। चावल धुल के मैंने यहाँ रख दिया है, दाल यहाँ पे बन गई है, तो अभी जल्दी जल्दी से ये सब बन जाएगा। तो आज मुझे कहीं जाना है। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपने थ्रेडिंग बनवाई है, ये देखिए। तो अभी देखिए दूध आ गया है, मैं जा रही हूँ जग में दूध लेने के लिए, दिखाती हूँ आपको। हाँ नहीं, दूध के लिए तो नहीं बोली है, दूध के लिए नहीं बोली है। कल हम आएंगे ना, 1.5 लीटर। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना बहुत नए मेहमान आने वाले हैं क्योंकि दोनों साइड में मेरे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो है ना घर बन रहे हैं, और इसलिए आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि जो मशीन नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसे, मिक्सचर मशीन, जो सब कुछ मतलब सीमेंट, बालू और गिट्टी को एक साथ मिक्स करती है, वो वाली मशीन चल रही है दोनों जगह। एक जगह ढलैया होने वाला है और एक जगह अभी न्यू पड़ रहा है, न्यू का पिलर पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, दूध को मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे, देखिए ये देखिए दूध मैंने चढ़ा दिया है, गट्टे की सब्जी बन गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना यम्मी गट्टे की सब्जी बन के आई है, बहुत टेस्टी, और स्मेल तो इसकी बहुत ही अच्छी आ रही थी। ये देखिए बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ, दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। और यहाँ चाय बन गई है, तो मैं और हस्बैंड हम दोनों चाय पी लेते हैं। अभी मैं और हस्बैंड हम दोनों चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे बच्चे जब आ जाएंगे उन्हें रेडी करके मुझे कहीं जाना है, शादी है इनके फ्रेंड का, उनके शायद लड़के का है, वहाँ हमें जाना है। तो फ्रेंड्स, बस मैं मैरिज हॉल पहुँचने वाली हूँ, पास में ही था, सासू माँ के घर पे आ गई थी, वहाँ से जा रही थी मैं।
और घर से निकलते वक्त, बच्चों को रेडी करते वक्त मैंने कोई भी क्लिप जो है शूट नहीं किया था, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी में मैं निकल रही थी ना, क्योंकि हस्बैंड का आज छुट्टी था। बट थोड़ी देर बाद उन्हें फ़ोन आ गया कि आपको आना है, मतलब वहाँ जाना था उनको अपने काम पे, तो इसलिए उनको जाना पड़ गया। इसलिए मुझे उन्होंने बोला कि जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मैं मतलब चला जाऊँगा, तुम्हें छोड़ नहीं पाऊँगा। और फिर हमारे यहाँ से इतना अच्छा साधन नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी में तैयार हुई और बस उनके साथ चली आई। और इतना जल्दी में मैं रेडी हुई थी फ्रेंड्स ना, कि मैंने ना गले में कुछ पहना, ना ही मैंने इयररिंग चेंज की। बाद में जब मैं लॉन पहुंची, सबने पहना था, तो मैंने देखा कि ओह, मैं तो ये सारी चीज़ें भूल ही गई कि गले में मैंने कुछ नहीं डाला और कान में भी कुछ नहीं चेंज किया। ऐसे ही बस मैं पहुंच गई थी, बस साड़ी चेंज की थी और हल्का सा मेकअप की थी बस। और बच्चों को भी, बच्चे तो खुद से रेडी हो गए थे, बस छवि का मैंने हेयर कॉम्ब किया था और कुछ नहीं। तो अभी देखिए हम मैरिज हॉल पहुंच गए हैं और बहुत बड़ा जगह था, डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ था। और अभी देखिए एक तरफ नाश्ता है, एक तरफ जो है डिनर लगा हुआ है, और एक तरफ पान, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न और जो गुड़िया का बाल बोला जाता है हमारे यहाँ, वो लगा हुआ था। तो अभी देखिए हम समझ नहीं पा रहे थे कि किधर से हम अंदर जाए, तो एक लोग आई, उन्होंने बोला कि आप किधर से हो, तो मैंने बोला कि हम लड़के वालों की तरफ से हैं। तो वो हमें ले गई और बोली कि आप यहाँ बैठो, अभी वेटर आएंगे तो आपको सर्व करेंगे। तो फिर हम चले गए वहाँ पे जहाँ कुर्सी वगैरह लगी थी, जहाँ जयमाल का स्टेज वगैरह बना था, वहाँ पे बैठे थे। फिर बाद में इनके मतलब जो हस्बैंड है उनके दोस्त की वाइफ लोग मिली थी, तो उनके साथ थोड़ी सी बातें हुई। और अभी देखिए हम बैठे हुए हैं। और फ्रेंड्स अभी हम नाश्ता करने आ गए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ जो थे वो नाश्ते में थे, जैसे कि ये शायद डोसा था, डोसा के जैसा ये बना रहे थे, बट ये डोसा नहीं था, बस कह सकते हैं चाट, फुल्की, चाउमीन और बहुत सारा कुछ था, मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि मैंने फुल्की और एक आध दो चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं खाया था, मुझे नहीं पसंद है। जो जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो नाश्ता कर लिया था। और अभी हम सब नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर टहलेंगे, फिर जब बारात आ जाएगी, तो बारात से पहले ही हमने डिनर कर लिया था, क्योंकि बारात बहुत लेट आई थी और हमें भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। वैसे तो मैं सोच रही थी कि जयमाल देख के ही जाऊँगी, पर काफ़ी रात हो गया था, 11:30 बज गया था, पर जयमाल नहीं हो रहा था अभी, तो इसीलिए हम जल्दी ही चले आए घर 10:30 बजे तक। तो फ्रेंड्स छवि इतना अच्छा डांस कर रही थी ना पानी पानी पे, पर अगर मैं म्यूज़िक लगा दूंगी ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक को जो है म्यूट कर दिया है। और आप स्टेप देख के जान सकते हो कि छवि ने कैसा डांस किया है। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने डिनर अपना फिनिश किया, वैसे ही बारात भी आ गई और इन्होंने काफ़ी डांस किया। ये आप देख सकते हो कितना ये लोग डांस कर रहे हैं, बहुत इंजॉय हम लोग भी किए, बहुत अच्छा लगा जाकर वहाँ पर। दूल्हे और दूल्हे के फ्रेंड्स भी डांस किए आप देख सकते हो। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।